सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आ गई है एक लंबा सफर आपने तय किया, सबसे पहले आप अपने शब्दों में जो कहना चाहती हैं वो कहें। मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं वही कहना चाहूँगी कि हमें सबको लगता है कि चीज़ें, मुझे भी लगता था, सिर्फ ऐसे नहीं कि पब्लिक को, कि स्क्रिप्टेड होती है, बिग बॉस ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा लगा था कि कुछ चीज़ें होगी बोलेंगे करने के लिए, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि बहुत ही भयंकर है सब कुछ, मतलब सिर्फ रियलिटी शो नहीं है, रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती है। इस बात से मैं हैरान हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग इस तरह से चलते हैं, मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ कि कभी ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं, खुद फ्लिप होते हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मैं फ़्लिप होती हूँ, और आज ये खाना नहीं बनाना है उनको, लेकिन अगर मैंने खाना बना दिया तो मैं वो मेरी स्ट्रेटजी है अच्छी दिखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत भयंकर सफ़र था, लेकिन आज जो एक जीत मिली है उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जिस मकसद से आप गई थी बिग बॉस के घर में, वो मकसद आपका पूरा हुआ? जी हाँ, मैं जिस मकसद से गई थी वो मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे, मैंने अब तक टीवी पे कैरेक्टर करके लोगों को एंटरटेन किया है, और लोग हमारा एक, हम जिंदगी में सिर्फ एक कैरेक्टर बन के रह जाते हैं। मेरा था कि मुझे लोगों को ये बताना था जो मेरे पास्ट में हुआ, कि शिल्पा ये है और शिल्पा इस तरह से, शिल्पा का बिहेवियर है, तो वो मैंने वहाँ पे जाकर प्रूव किया कि चीज़ें सिर्फ चिल्लाने से नहीं होती, प्यार से चीज़ें हो सकती है। आप गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, आप प्यार से चीज़ें मांगो आपके साथ हो जाएगी, लेकिन आप जहाँ लाउड रिएक्ट करते हो वहाँ मैं नहीं रहती, मेरे से नहीं होता। और यही सच्चाई थी कि किसी का झगड़ा हो गया और कुछ हो गया तो मैं वहाँ से निकल जाती थी, मैं वहाँ फ़ाइट नहीं कर पाती थी, किसी भी चीज़ में है, किसी टास्क में है तो मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाती थी, जेन्युइनली मैं गिव अप कर देती थी। शिल्पा, हिना ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मात्र 1000 वोट से मैं पीछे रह गई हूँ, क्या ये सच है? कि बल्कि अंदर की खबर ये थी आप बहुत मिलियन वोट से आगे हैं, लाखों वोट से आगे, आपको क्या पता चला है? थोड़ा सा फैंस को बताएं, शिल्पियंस को बताएं। शिल्पियंस, थैंक यू। मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे सारे फैंस को जिन्होंने मुझे जिताया, और अगर वो उसे कहीं से पता चला, ये अच्छी बात है कि वो सिर्फ 1000 वोट से पीछे थी। उसने भी काफ़ी मेहनत की है टीवी इंडस्ट्री में, 8 साल से एक शो कर रही थी वो, और खतरों के खिलाड़ी किए हैं, आई थिंक विनर नहीं बनी शायद वो, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ 1000 वोट से गई है, तो अच्छी सक्सेस है मेरे ख्याल से। क्या ये ट्रू है कि 1000 वोट हैं या फिर और मार्जिन था, मतलब क्योंकि खबरें ये हैं कि मार्जिन बहुत है, बट आई हैव नो आईडिया। शिल्पा थोड़ी कोशिश करें कि सामने थे क्वेश्चन, बिकॉज़ शी सेड वी हैड अ वर्ड विद सलमान खान एंड ही टोल्ड कि इट्स जस्ट अ मार्जिन ऑफ 1000 यू एंड हिना, यू एंड शी वर टुगेदर व्हाइल सलमान सेड दिस, दिस इज व्हाट शी सेड। Yeah, he was saying something about votes. I have no idea what did he say exactly. But agar hai to I really don't bother, because ultimately winner to main hi hu. तो एक वोट हो या दो वोट हो, अच्छा है, खुश अगर वो खुश होती है कि मैं सिर्फ 1000 वोट से पीछे हूँ और मेरे जीतने में उसकी, अगर वो उस चीज़ से खुश है तो मुझे भी खुशी है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगी। Also, Shilpa, you know, if given a chance, if given a permission, what kind of survival kit would you would have carried inside the Big Boss house? Inside the Big Boss. Can you repeat this question? If you were given permission, what kind of survival kit would you have carried inside the Big Boss house? Strength. Actually strength, it's very important, like, and patience, you know, very important, patience are very important. I think that you were carrying already. Yeah, but I was there inside the way I am exactly. Main andar waise hi thi jaise main reality mein hoon.
बहुत अजीब सा मैंने मैंने आई वाज मैं कभी बिग बॉस की फ़ैन नहीं थी. मैं बिग बॉस शो कभी बहुत ध्यान से नहीं देखती थी कि अंदर क्या चीज़ें हो रही है, स्ट्रेटजी क्या है गेम जीतने की. मैं बस मैंने सोचा था कि अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा. यू नो ऑनेस्टी, आई थिंक ऑनेस्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ऑनेस्टी के साथ चलो. दैट्स इट. और मैं वैसे ही रही हूँ बिग बॉस के घर में जैसी मैं हूँ. घर के अंदर सबकी स्ट्रेटजी समझ में आ रही थी. शिल्पा शिंदे की क्या स्ट्रेटजी थी, किस स्ट्रेटजी के साथ आपने खेला? वही जो मैंने अभी कहा. एक्चुअली मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाई. बेसिकली उन लोगों ने जो मेरे साथ स्ट्रेटजी अपनाई वो मेरे पे वो वर्क कर गई. जैसे इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें हैं कि काम नहीं करना है तो काम नहीं करना है तो मैंने काम शुरू किया. गौहर आई थी. गौहर सेज कि आप सिर्फ किचन में दिख रहे हो, आप बाहर आओ. तो कुछ लोग मैं किचन में दिख रही हूँ तो किचन में नहीं आए. यू नो दैट सव्यसाची ही यूज़ टू कुक ऑल्सो विथ मी. सो सेड कि आप सिर्फ किचन में दिख रहे हो तो ही वॉज आउट ऑफ किचन. मैं नहीं करूँगा किचन में काम. आई वॉज देयर ओनली बिकॉज दैट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो लोगों ने कहा कि मैं किचन में मेरी तारीफ हुई. जैसे सलमान जी ने मेरी किचन में तारीफ़ की कि आप रोटियां बना रहे हैं या जो भी है. मैं मुझे माँ का दर्जा मिल गया. खाना बना रही हूँ, अच्छा खाना खा रहे हैं. आज तक बिग बॉस के सीज़न में हमेशा खाने को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है, बहस हुई है. यहाँ पर वो भी नहीं हुई. तो जैसी वो तारीफ हुई तो उसका उल्टा गेम पड़ गया. तो स्ट्रेटजी सामने वाले ने खेली जिसका फिर मुझे फ़ायदा हुआ. मैंने वो एक्शन रिएक्शन होते हैं हमेशा. उस एक्शन के बाद मैंने उतना रिएक्ट करना बंद कर दिया. जो मतलब जो एक पेशेंस बहुत होना ज़रूरी है तो मैंने स्टॉप रिएक्ट करना ही बंद कर दिया. तो फिर दूसरी चीज़ें फिर टास्क के ऊपर आ गए कि मैं टास्क नहीं करती. मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढनी है. तो मेरी स्ट्रेटजी एक्चुअली कुछ भी नहीं थी. किस किस का बर्ताव आप, बुरा बर्ताव आप भूल नहीं पाएंगी, उनको माफ नहीं करेंगी, या ये बर्ताव आपको जीवन भर याद रहेगा बुरा बर्ताव? एक्चुअली अर्शी और आकाश का जो बर्ताव था बहुत वियर्ड था. ऑल ऑफ सडन था. जहाँ तक अर्शी की बात करती हूँ वो मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आई थिंक वो पजेसिव हो गई थी मेरे लिए. मैं किसी से बात नहीं करूँ. शिल्पा और अर्शी की जोड़ी बने. उसका हमेशा ये कहना था कि शिल्पा और अर्शी की जोड़ी बने, शिल्पा और अर्शी की जोड़ी बाहर बाहर आए. तो मेरा किसी के साथ भी बिहेवियर जो नॉर्मल बिहेवियर था उसको पसंद नहीं था. वो मुझे कोई बोलती थी कि तुम्हें कोई उल्टा जवाब दे रहा है, तुम उसको बैक आंसर क्यों नहीं कर रही हो, एंड यू आर नाइस विद देम और ऐसे. तो वो था. इसीलिए मैं उसके साथ मुझे इतना कोई गिला शिकवा नहीं है. आकाश भी बेवकूफ़ ही कहलाएगा. उसको अकल नाम की चीज़ ही नहीं है. उसका हमेशा मैं उसी में रह गया. बाकी मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगी. वो हिना खान है. क्योंकि उसने मुझे जाने अनजाने में सोच समझ कर स्ट्रेटजी अपना कर मुझे बदनाम किया है. मेरी चीज़ों को पर्पसली गलत दिखाया है जो नहीं थी. बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाई कि मेरा गेम मेरा कैरेक्टर वो कैसे डाउन करे. जैसे सलमान जी भी कुछ चीज़ें बोलते थे तो शी यूज़ टू से कि वो बायस्ड है शिल्पा के लिए. यू नो शिल्पा की साइड ले रहे हमेशा, अपनी गलती देखी नहीं है. तो मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैं कभी शेर खान का जब मग तोड़ा, हमने हमेशा आपको देखा है सीजन में, आपने बहुत चीज़ें बचाई है लोगों की, लेकिन जब आपने वो मग तोड़ा तब क्या फीलिंग थी? थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं हुआ वो बताइए. ऐसा नहीं है कि वो हिना खान का मग था इसलिए दर्द नहीं हुआ. हमने घर में बहुत झगड़े किए हैं लेकिन हम एक दूसरे से बहुत इमोशनली कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे थे कि नहीं जाने दो इन चीज़ों के साथ इमोशंस जुड़े हुए नहीं करनी चाहिए. वो मुझे एक मौका मुझे बिग बॉस ने दिया क्योंकि दो दिन पहले ही हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा गया कि शिल्पा टास्क नहीं करती.
और मैंने कहा कि टास्क मैं अपने तरह से करती हूँ, अपने अपने क्लास अब मेरा जो क्लास है उसे मेंटेन करके मैं टास्क करती हूँ. नहीं नहीं टास्क करना चाहिए. और उसके लिए मुझ पर मतलब जो फेमस अर्शी खान थी टास्क नहीं करती, ऑल ऑफ सडन मेरे पे आ गया कि मैं टास्क नहीं करती. तो जब मुझे वो मौका मिला तो मैंने कहा मैं टास्क कर रही हूँ. और मुझे वो प्रूव करना था कि टास्क के नाम पे आप किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकते. आप किसी का दिल रखते हो, आप गिवअप करते हो, आप टास्क को छोड़ देते हो किसी आगे, उसे आगे जाने के लिए करते हो, तो वो भी एक दिल रखना ही होता है. टास्क का हो गया अभी, आपको क्या अभी मौका मिलेगा आपको एनटीवी में जाने के लिए, तो आप काम करिए एनटीवी के साथ या नहीं? मुझे नहीं लगता मैं करूँगी. लेकिन विकास के साथ आप काम करेंगे? देखो विकास के साथ मैं उसको मैंने एक टास्क के वक्त प्रॉमिस किया था कि एक छोटा वेब सीरीज करेंगे, तो वो मैं बस करूँगी. शिल्पा आपने सलमान खान और शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब शिल्पियंस ने इतने ट्वीट किए, 3.5 मिलियन लगभग ट्वीट हुए हैं शिल्पा टू द विन करके, उसके बारे में आपको क्या कहना है? प्लस मतलब आप ट्रेंडी रहे हैं पूरे सुबह दिन के 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक, इतना ट्रेंडी इतना पागलपन है फैंस के बीच में आपके लिए, क्या कहना चाहेंगी और फैंस को क्या थैंक्स बोलना चाहेंगी थोड़ा सा बताएं. सी इतना प्यार मुझे दिया है तो थैंक्स बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ऑब्वियसली फ़िलहाल मुझे थैंक्स ही बोलना पड़ेगा. मतलब मैं सच्चे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरी मेहनत जो थी, मेरा वहाँ पे जो मैंने पेशेंस रखे, जिस तरीके से मैंने वहाँ पे सर्वाइव किया, तो मैं अपने फैंस को सच में बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि शायद आज उनके वजह से मैं विनर बनी, नहीं तो पता नहीं क्या होता. क्योंकि बाकी ऑब्वियसली जो राइवल्स थे वो घर के बाहर भी उनका काम कर रहे थे, मैंने सुना बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से बाहर आ रही थी. टीवी इंडस्ट्री के किसी भी आर्टिस्ट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जैसे मुझे पता है बिंदु जी थे जो दारा सिंह के, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. सिर्फ हाँ पिछले सीज़न के मन्नू थे या कुछ बहुत कम लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था. तो जो आज मैं जो कुछ भी हूँ ऑब्वियसली उनकी वजह से हूँ, और इतने अगर मेरे फैंस हैं तो आई होप मैं उन्हें और एंटरटेन कर सकूं. आप सलमान खान पे ट्रिप पे जाएंगे जो सलमान खान सेट की आप लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं सब मिलके, तो आप भी जाएंगे? आपको लगता है अभी मैं उनके साथ टाइम जो बिता के आई मैं ट्रिप पे जाऊंगी? एनी एडवाइस यू वुड वांट टू गिव फॉर हिम? शी इज वेरी वेल मैच्योर्ड गर्ल यार, शी शुड बी लिटिल काम एक्चुअली, बिहेव वेरी लिटिल काम. यहीं पे दिखाई दे रही हूँ मेरे फैंस के लिए क्योंकि मैं सो ही नहीं हूँ कल से. लेकिन कोई काम मतलब आपने लाइन अप किया होगा कि अब ये काम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं शिल्पा वो 7 बिलियन लोग जिन्होंने आपको ट्वीट किया दुनिया भर के लोग 3.5 मिलियन. आपका क्या है? टीवी नहीं, टीवी बहुत कम, क्योंकि टीवी में मुझे वापस शिल्पा शिंदे ही, मुझे शिल्पा शिंदे ही रहना है, मुझे वो कैरेक्टर बन के नहीं रहना. तो लेट्स सी कोई शो होस्ट करना चाहूंगी मैं. मराठी बिग बॉस अगर, बिल्कुल बिल्कुल. सलमान के साथ काम करेंगे कुछ? और अगर काम करेंगे तो किस तरह का रोल आप सलमान के साथ करना चाहेंगे? जी देखो मैंने सलमान जी ने मुझे यहाँ तक जो सपोर्ट किया है, जिस तरीके से मेरा पक्ष उन्होंने रखा है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैं ऐसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि सलमान जी मुझे फ़िल्म दे या और किसी काम को काम की ऑफ़र दे. मैं जितना भी हुआ है मेरे साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उसी में खुश हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.